आप सब लोग, निशा की रसोई में आज आपका स्वागत है। मैं हूँ निशा शर्मा, कोटा राजस्थान से, और आज हम बनाएंगे हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। जो पहले मैंने ऑनियन चीला बनाया था वो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा था, तो इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के सामने लौकी का चीला। जनरली लोगों को लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आज हम एक नए तरीके से लौकी का चीला बनाएंगे और आपको ये बहुत पसंद आएगा। और ये 10 मिनट में बराबर से बनने वाला है, ये बहुत अच्छा नाश्ता है और ये फटाफट से भी बन भी जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। मेरी गारंटी है ये कि अगर आपने इसको एक बार बना लिया तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अब हम लौकी का चीला बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने लौकी का चीला बनाने के लिए यहाँ एक मीडियम साइज की लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब इसके अंदर हम बेसन को ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ 3 टेबल स्पून बेसन ऐड कर रही हूँ। फिर हमें जब ज़रूरत होगी तो फिर हम और इसमें बेसन ऐड करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिलाना है और उसके पहले घोल बनाना है। हमें इसका बैटर अच्छे से बना लें, और मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, और हमें इसका पहले अच्छे से घोल बना लेना है। बैटर बनाएंगे इसका अच्छे से, फिर उसके बाद हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। हमारा बैटर मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा है, इसमें हमें 1 टेबल स्पून में इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है, ये देखिए, और ये बिल्कुल अब बढ़िया हो जाएगा। और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी देना चाहिए, हल्का हल्का, ये देखिए। अब मैं इसके अंदर बारीक कटे हुए हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, आप नहीं डालें। हमने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी थी और हमारा बैटर भी बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, और एकदम परफेक्ट है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कच्चा जीरा ऐड कर रही हूँ, इसमें ये थोड़ा सा कच्चा जीरा ऐड कर दिया मैंने, और आधा पिंच में इसमें हींग ऐड कर रही हूँ। हींग ऐड कर दिए मैंने इसमें, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। ये मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया था इसको, और अब हम इनको मिलाएंगे अच्छे से। और अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, मैं यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है इसमें, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड कर रही हूँ इसमें, ये नमक ऐड कर दिया है मैंने इसमें। और अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। देखिए, हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है और बिल्कुल अच्छे से इसको हमने सामानों को अच्छे से मिला लिया है, और मैंने यहाँ इस तरीके की चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ चीला बनाने के लिए। गैस पर आते हैं, मैंने यहाँ चीला बनाने के लिए एक नॉन स्टिक ये तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें किनोरे हैं, और अब हम गैस ऑन कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोहे के भी बना सकते हैं, उस पर भी बन जाता है ये, और मेरे पास ये है तो मैं इस पर यूज़ कर रही हूँ। और हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब हमारा तवा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इस पर तेल लगा रही हूँ जिससे इसमें चिकनाहट बनी रहे, और यहाँ मैंने मामूली सा स्पून को मैंने भरा नहीं था, बस हल्का सा इसको ग्रीस कर रही हूँ तवे को, कि जिससे ये हमारा जो है बैटर है वो चिपके ना। और अब हम इसमें चम्मच की सहायता से इस पर ये डाल रही हूँ, ये देखिए। आपका बैटर ये आपका घोल बिल्कुल अच्छे से, ये चीला आपका घोल नहीं बनता है तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि इससे कोई इसका कोई इश्यू नहीं है। ये देखिए, ये मैंने इसको फैला दिया है, और अब हम इसे सिकने देंगे। देखिए, हमारा चीला अच्छे से सिक गया है पीछे की साइड से। अब मैं यहाँ थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, यहाँ ऑयल डाल रही हूँ जिससे ये आसानी से छूट जाए और पीछे से अच्छे से सिक जाए, इसलिए मैंने यहाँ सारी जगह ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसको पलट रहे हैं, मैं यहाँ इसको पलटूंगी, आहिस्ता से पलटना है हमें। ये देखिए, मैंने इसको पलट दिया है और पीछे से भी बहुत बढ़िया सिक रहा है ये, और अब हम इसे सिकने देंगे। और गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा था, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, नहीं तो हमारा ये जो चीला है वो जल जाएगा। देखिए, हमारा चीला इस पीछे की साइड से सिक रहा है, और हमें इस तरीके से कलची की सहायता से इसको दबा दबा कर सेकना है, क्योंकि इसमें लौकी है वो कच्ची ना रह जाए, तो इसलिए हमें इसको अच्छे से इस तरीके से कलची की सहायता से प्रेस करके, और हमें इस तरीके से इसको सेकना है।
जिसे बहुत बढ़िया स्वाद आए। कच्ची लौकी ना रहे हमारी, और ये बहुत बढ़िया मीडियम फ्लेम पे सिक रहा है हमारा। मुझे लगता है कि इसको काफी टाइम हो गया है, अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि ये पीछे से भी सिक गया है कि नहीं सिका है। और अब हम इसको आहिस्ता से पलटेंगे, देखिए कितना बढ़िया सिका है हमारा पीछे से भी ये चीला, और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और ये हल्का हल्का क्रिस्पी भी हो गया है। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे भूना है, सेका है, तो इसलिए ये बहुत बढ़िया क्रिस्पी भी बन जाता है और कच्चा भी इसका टेस्ट नहीं है। और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हेल्दी होती है लौकी, और अक्सर हम लौकी को खाना पसंद नहीं करते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है लौकी को खाने का। हमारा चीला बहुत अच्छे से सिक चुका है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और मैं आहिस्ता से इसको निकाल लिया है, देखिए हमारा चीला बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए हमारा चीला बिल्कुल सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा दही ले लिया है और थोड़ा सॉस ले लिया है, और इसे आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है खाने में, और आपका भी शायद खाने का मन कर रहा होगा। तो चलिए शुरू हो जाइए और लौकी का चीला फटाफट बना लीजिए। ये बनाया था आज हमने लौकी का चीला, और आप भी इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, और अपना फीडबैक देना नहीं भूले कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और आप इसी तरीके से नए नए वीडियोस देखना चाहते हैं, नई नई रेसिपी सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।